हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजाना खाना में। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से बिरयानी बनाने का रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो हम सभी चाहते तो हैं बिरयानी घर पे बना करके खा लें, लेकिन बनाने से पहले हम सर पकड़ लेते हैं कि यार बनने तो वाली नहीं है। तो आज भी ये तरीका अपना लीजिएगा और देखिएगा कि कैसे झटपट आपकी बिरयानी बन करके तैयार होती है। और जैसे जैसे स्टेप्स बताए हैं ना मैंने, अब वही स्टेप्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल में प्याज को इस तरीके से काट करके ज़रूर डालिएगा। सबसे पहले ये प्याज हम क्यों फ्राई कर रहे हैं इस तरीके से, जो बिरयानी होती है उसको एक मिठास की ज़रूरत होती है। तो जो प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो क्रिस्पी हो जाएगा और इसकी मिठास भी बिल्कुल निखर करके हमारी बिरयानी के अंदर आएगी। तो इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम इसी को कर करके साइड कर लेते हैं। तो लीजिए, बातों बातों में हमारे प्याज तो फ्राई हो ही गए, तो बस आप इसको स्ट्रेनर पे निकालिए और इसको प्लेट में रखते जाइए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बिरयानी बनाने का। अगर आपने बिरयानी एक बार ट्राई कर ली ना, तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सारे प्याज को इस तरीके से निकाल करके साइड कर लेते हैं। चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 किलो चिकन लिया है और उसको अच्छी तरीके से धुल लिया है। तो आप भी चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कीजिएगा। और चलिए, यहाँ पे हम रख लेते हैं पतीला। तो यहाँ पे हम जो बिरयानी बनाने वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने घी डाला है 1 बड़ा चम्मच और उसी में हम डालेंगे बिल्कुल प्योर देसी सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। और यहीं पर हम डाल रहे हैं तेज पत्ता 3-4। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले आप देख सकते हैं, काली इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और 6-7 लौंग और 7-8 काली मिर्च। बस इतने ही खड़े मसाले चाहिए होते हैं। और सब लोगों ने हवा बना रखा है कि बिरयानी बनाने के लिए बहुत मसाले चाहिए होते हैं, तो आप भी ये मसाले ज़रूर डालिएगा। और बहुत ही सिंपल मसाले हैं, एक बार आप बिरयानी बना लेंगे और आदत लग जाएगी तो आपको बिरयानी बनाना चुटकियों का काम लगेगा। और हाँ, आखिर में आप जो शाही जीरा है वो डालना ना भूलें। तो अगर आपके शाही जीरा बाई चांस ना हो तो आप नॉर्मल जीरा भी, ये मत सोचिएगा कि शाही जीरा नहीं है तो चलो यार नहीं डालते, नॉर्मल जीरा डाल लीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमने जो प्याज है उसको हमने थोड़ा एक्स्ट्रा साइड में रख रखा था, उसको हमने डाल लिया है और इसको हम भून लेते हैं। और जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगा, उसी में हम ऐड कर लेंगे अपना चिकन। तो चिकन को डाल करके अच्छी तरीके से आपको भूनना है। और जब तक चिकन अच्छी तरीके से भुन ना जाए, बिल्कुल एक अलग कलर आ जाता है चिकन का, भी थोड़ा पिंकिश आया वो वाइट हो जाएगा, तब तक आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना है। तो हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और हमारे चिकन को पूरा अच्छा खासा टाइम देंगे पकने का। तो यहाँ पर जो बिरयानी होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, तो आप अपने हिसाब से तेल मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप तेल नहीं खाना पसंद करते हैं तो घी डाल लीजिएगा। तो मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में सबसे पहले पड़ेगा धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालना है, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन का यूज़ कर रही हूँ तो उतना तो धनिया पाउडर लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच किचन किंग मसाला, और साथ ही बिरयानी मसाला बहुत ज़रूरी है, तो 1 चम्मच बिरयानी मसाला। और मुझे लगा कि थोड़ा सा किचन किंग मसाला कम है तो मैं थोड़ा सा और डाल ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पे हमने 2 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। तो बहुत ही नॉर्मल मसाले डालते हैं। साथ ही हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से जितना तीखा रखना चाहें। जो शाही लोग थे वो बहुत ही तीखा खाना पसंद करते थे, तो आप अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं जितना भी आप चाहें। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है और इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब जैसे आपने चिकन को भूनने के लिए टाइम दिया है, वैसे ही आपको यहाँ पे मसालों को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मसालों की खुशबू नहीं फैलेगी तो बिरयानी में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो खड़े मसाले हैं उनको भी भूनना, और जो अब हमने यहाँ पे पिसे हुए मसाले डाले हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से भूनना है। और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं दही। दही बिरयानी में जान ला देता है, तो जब भी कभी बिरयानी बनाए तो दही ज़रूर डालिएगा। और टमाटर भी हमने ऊपर से डाल लिया है। और अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे कम और इसको हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने दही डाली है वो और ना फट जाए, तो अगर दही फट गई तो बिरयानी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, बस फ्लेम को कम कर देना है और इसको चलाते रहिए। ज़्यादा देर नहीं चलाना है, 1 मिनट तक चलाना है। आपको खुद ही दिखने लगेगा जो दही है वो बिल्कुल मिल गया है, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है पूरे चिकन के साथ। तो आप उस टाइम बंद कर दीजिएगा मिलाना। तो देखिए, हम इसको मिला रहे हैं अच्छे तरीके से, और एक जो थिक ग्रेवी होती है ना वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है हमारे पूरे चिकन में। तो इस तरीके से भी आपने चिकन बिरयानी बहुत बार खाई होगी, लेकिन दही वाली शायद ही कभी ट्राई की हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से नमक अब हम डाल लेते हैं।
ताकि जो हमारे मसाले हैं और जो पूरा चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो ऑलमोस्ट पक गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, अपने चावल को अच्छी तरीके से धुल लेना है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, यानी कि ढक्कन लगा देते हैं। तो 2 मिनट तो लगेगा ही चावल धुलने में। तो यहाँ पर हमने जो बिरयानी राइस होते हैं वो लिए हैं, इंडिया गेट का। आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं नॉर्मली, बट अगर आप लॉन्ग राइस लेंगे तो बिरयानी का तो जवाब ही नहीं होगा। तो हमने चावल को अच्छे तरीके से धुल लिया है और पानी इतना लेना है आपको, जो हाथ की लकीर है उंगलियों की, उतना ही पानी आपको लेना है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। तो बस यहाँ पे हम अब ढक्कन हटाते हैं, क्योंकि जो हमारा चावल है वो भी रेडी है अच्छे तरीके से धुल करके। और कभी भी आप बिरयानी बनाएं तो चावल को पहले से धुल करके कभी ना रखें। जब आपका चिकन बिल्कुल पक जाए तभी आप चावल को धुलें, पानी डालें, इस तरीके से चेक करें। और एक बार जो ढक्कन खोला है उसको भी हम चला लेते हैं, देखते हैं कहीं चिकन लग तो नहीं गया। बिल्कुल नहीं लगा है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ग्रेवी भी आ गई है, क्योंकि हमने इसको ढका था। तो ये ग्रेवी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो चावल है वो उसको सोख सके, क्योंकि चावल के अंदर फ्लेवर नहीं आएगा तो बिरयानी खाने में क्या ही मज़ा आएगा। तो लीजिए, अब हम ऊपर से डाल ले रहे हैं अपना चावल और जो पानी हमने डाला है। अब आपको ऊपर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। बस एक बार इसको चला लीजिए। और हमने पहले से ही हमने धनिया पुदीना काट करके रखा हुआ है, तो वो भी हम डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं केवड़ा जल। केवड़ा जल एक एसेंस है, यानी खुशबू देता है पूरी बिरयानी को। कहते नहीं है कि हम खाने को सबसे पहले आंखों से खाते हैं फिर नाक से खाते हैं, यानी खुशबू से। तो खुशबू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो हमारे जुबान को अच्छी लगेगी। तो बस आपको यही करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और बस आपको क्या करना है कि जो धनिया काट करके रखा है उसको ऊपर से सजाने का काम करना है, सारा गार्निशिंग का काम होने वाला है। तो ये काम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि अब मुझे फील आने लग जाती है कि हाँ, अब तो बिरयानी बन ही गई। बस लीजिए, तो ऊपर से हमने जो प्याज धनिया पुदीना ये सब काट करके डाला है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस टेंशन फ्री हो जाइए। आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं बिरयानी को, और 1 मिनट एक्स्ट्रा वो मैं बताऊंगी क्यों। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो बिरयानी है बिल्कुल अच्छी तरीके से सज गया है, सेट है। तो थोड़ा सा हम प्याज और डाल ले रहे हैं जो बचा हुआ था, और अब इसको हम ढक करके 10 मिनट पकाएंगे। तो आपको 10 मिनट कैसे पकाने हैं, 5 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं और 5 मिनट इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाएं। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी स्टार्टिंग में इसको हाई फ्लेम पे पकाती हूँ और फिर 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देती हूँ। और उसके बाद आपकी बिरयानी बिल्कुल इस तरीके से ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी और चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। चावल की तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिरयानी में अगर परफेक्ट पानी पड़ा हो तो चावल की कोई टेंशन नहीं लेता है। तो लीजिए, हमारे जो खिले खिले चावल है वो बन चुके हैं बिरयानी वाले। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी खा करके ज़रूर बताइएगा घर पे। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है बिरयानी। बस ये है कि लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि टाइम लगता है बिरयानी बनने में, लेकिन आप ये तरीका आजमाएंगे तो बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाएगा। और जितने भी चिकन के पीसीज हैं, जो चावल है वो पूरे मसाले से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाद में डाला है ये पहले डाला है। बहुत ही खुशबूदार रेसिपी तैयार है। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें रोजाना खाना। बाय बाय।